प्रिय छात्रों, बही खाता लेखाकर्म कक्षा 12वीं हम अध्ययन कर रहे थे ऋण पत्र संबंधी लेखों का। ऋण पत्र डिबेंचर, ऋण पत्र क्या होते हैं इसके बारे में हमने पूर्व में भी जाना था कि ऋण पत्र जो है अंश पत्र के समान एक प्रकार के ऋण लेने का एक क्या है, प्रमाण पत्र है। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है। अर्थात इस पत्र के माध्यम से जो है कंपनी जो है अपने सदस्यों से या ऐसे जो उस कंपनी में अपनी पूंजी को लगाना चाहते हैं उनको एक ऋण पत्र जारी करती है। तो यहाँ पर जो है कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक क्या है, ये प्रमाण पत्र है, जिसके माध्यम से कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि उसने ऋण पत्र धारी से उसमें लिखी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की है। तो ऋण पत्र से आशा एक ऋण प्राप्त करने का एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिस प्रमाण पत्र के माध्यम से कंपनी ये बात को स्वीकार करती है कि उसने ऋण पत्र धारी से लिखी हुई धनराशि जो है वो ऋण के रूप में, उधार के रूप में प्राप्त की है। अब ये ऋण पत्र कंपनी और ऋण पत्र धारी के मध्य क्या है, एक अनुबंध है, एक समझौता है लिखित, जिसमें ये अनुबंध है कि ऋण पत्र धारी के द्वारा जो है कंपनी को ऋण के रूप में राशि दी गई और कंपनी ने जो है ऋण पत्र धारी को एक ऋण पत्र निश्चित राशि का जारी किया हुआ है। इसके अनुसार जो है ऋण पत्र धारी को एक निश्चित समय के बाद उसमें वर्णित राशि ब्याज सहित वापस देने का वचन देती है। तो यहां पर जो है कि ये एक अनुबंध है जिसमें कंपनी जो है ऋण पत्र धारी को एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्र में अंकित राशि पर ब्याज देने के लिए क्या है, वचनबद्ध है। अब ऋण पत्र धारी जो है ये कंपनी के दीर्घकालिक लेनदार होते हैं। अर्थात ऋण पत्र धारी द्वारा जो कंपनी में अपनी ऋण के रूप में पूंजी प्रदान की जाती है वो लंबे समय तक के लिए प्रदान की जाती है। इन्हें जो है समय समय पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। अब यहां पर यह मुख्य कंडीशन है कि व्यवसाय में चाहे लाभ हो या हानि, पूंजी इनको जो है ऋण पत्र पर दे जो ब्याज की राशि है वो इन्हें कंपनी को ऋण पत्र धारी को प्रदान करना होगा। दूसरा जो है पूंजी वापसी, इन्हें सर्वप्रथम अंशधारियों के पहले प्राथमिकता होती है, ये साथ ही प्रबंधन कार्य में हिस्सा नहीं लेते। तो ऋण पत्र धारी जो है कंपनी के दीर्घकालिक लेनदार हैं जिन्हें कंपनी एक निश्चित दर से ब्याज प्रदान करती चाहे व्यवसाय में लाभ हो चाहे हानि हो। और साथ ही इन्हें जो है जब पूंजी वापसी की दशा होती है अर्थात अंशधारी ऋण पत्र धारी को जब पूंजी वापस की जाती है तो अंशधारियों के पहले इन्हें दी जाती है, ये कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं लेते। अब हम यहां देखते हैं ऋण पत्रों की जो विशेषताएं हैं ये क्या है। नंबर एक, कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्र जो बाजार में जारी किए जाते हैं तो ये कंपनी की ओर से कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। दूसरा जो है यह ऋण लेने का प्रमुख वित्तीय उपकरण माना जाता है। एक कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो बाजार में ऋण पत्रों को जारी करते हैं, तो ये एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है, इसके माध्यम से कंपनी जो है पूंजी प्राप्त करती है। तीसरा बिंदु जो है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो है पूर्व निर्धारित होती है, अर्थात 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इसका आशय यहाँ पर ये है कि उन्हें 10% या 12% जो भी डिबेंचर के आगे प्रतिशत लिखा हुआ है उस दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा, तो ये पूर्व निर्धारित रहता है। फिर ऋण की मूल राशि को वापस का समय ऋण पत्र में अंकित होता है, अर्थात ऋण पत्र की जो अंकित राशि है वो कब और किस समय वापस की जाएगी ये ऋण पत्र में दर्ज होता है। फिर ऋण पत्र के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त होता है। ऋण पत्र के माध्यम से जो पूंजी कंपनी को प्राप्त होती है वो बहुत लंबे समय तक के लिए प्राप्त होती है। फिर ऋण पत्र धारी जो है कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, स्वामी नहीं होते। ये एक प्रकार से कंपनी को क्या है, पूंजी प्रदान करने वाले हैं, तो ये कंपनी के क्या है, लेनदार हैं, लेनदार उठाता है।
तो ऋण पत्रधारी यहाँ पर किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं उठाते हैं, वो जो पूंजी लगाते हैं ऋण पत्र के रूप में उसके बदले उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। फिर ये सममूल्य पर निर्गमित होते हैं और समापन पर इन्हें ऋण वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। ये ऋण पत्र जो है सममूल्य पर जारी होते हैं और जब कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले इन्हें ऋण पत्र की राशि जो है वो वापस दी जाती है। तो ये जो है इसकी विशेषता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अंतर्गत दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत कंपनी जो है ऋण पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। नियमानुसार कंपनी केवल सुरक्षित ऋण पत्रों का ही निर्गमन करती है। तो यहाँ पर जो है ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो 2013 अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत जो है दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत कंपनी जो है ऋण पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। तो ऋण पत्र की यह विशेषता और ऋण पत्रों का निर्गमन। इसके बाद हम देखेंगे कि ऋण पत्रों की उपयोगिता क्या है या इसका लाभ क्या है या इसका महत्व कंपनी के लिए क्या है। तो सबसे पहला बिंदु तो जो है जैसे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। एक कंपनी को लार्ज स्केल पर पूंजी की आवश्यकता होती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है कि अपनी पूंजी की आवश्यकता जो है ऋण पत्र निर्गमन द्वारा पूरी कर सकती है। कंपनी को जो पूंजी की आवश्यकता होती है तो ऋण पत्र के द्वारा जो है निर्गमन करके अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा कर लेती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वामित्व नहीं। अब चूंकि यहां पर जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के क्या है लेनदार है, इन्हें एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, तो ये कंपनी के स्वामी नहीं है। इसलिए स्वामित्व ना होने के कारण कंपनी पर इनका नियंत्रण नहीं होता, वह इन्हें सार्वजनिक सभा में भी कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव की सभा में या किसी भी प्रकार की वार्षिक साधारण सभा बैठक में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता और इन्हें मत वोट देने का भी अधिकार नहीं होता। फिर निश्चित आय, ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से ब्याज देने पर कंपनी को यह ज्ञात होता है कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना है। तो एक कंपनी को पास ये पहले से बजट होता है कि जो ऋण पत्र जितनी मात्रा में उसने जारी किए हैं उनको ब्याज उनको कितना भुगतान करना है इसकी जानकारी उसको होती है। फिर अंशधारियों को लाभ, ऐसे लोग जो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है ऋण पत्र फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर जो है वहीं कंपनी को भी जो है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, वह ब्याज के भुगतान के पश्चात जो है अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश मिल जाता है। तो यहाँ पर जो अंशधारी हैं, चूंकि कम ब्याज दर पर ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, उसके पश्चात जो शेष लाभ बचता है उसमें से अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश प्राप्त होता है। फिर ऋण वापसी की सुविधा, यहां पर जो है पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने से ऋण पत्रों का भुगतान जो है कर दिया जाता है। और अंतिम है ऋण पत्रधारियों को सुरक्षा, यहां पर जो है ऋण पत्रधारी कंपनी की संपत्ति पर सहायक प्रभार के रूप में होते हैं, अतः घाटे या समापन की दशा में उनके द्वारा दिया गया ऋण जो है वो क्या रहता है सुरक्षित रहता है। तो ये जो है ऋण पत्रों की लाभ है उपयोगिता या उसके महत्व। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ ऋण पत्रों के जो विभिन्न प्रकार हैं। नंबर एक जो है वो सुरक्षा के आधार पर हम देखते हैं। इसमें जो है नंबर एक सुरक्षा के आधार पर सबसे पहला जो है सुरक्षित ऋण पत्र। तो ये वो ऋण पत्र हैं जिनको कंपनी की संपत्ति पर पूर्ण अंशतः भार या बंधक मिला होता है, उन्हें सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र कहते हैं। यहां कंपनी अपने ऋण पत्र धारकों को पूर्ण भुगतान करने में यदि असमर्थ होती है तो ऋण पत्र धारक बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपने ऋण पत्र की राशि को वसूल कर सकते हैं। अर्थात सुरक्षित ऋण पत्र जिनको हम बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं, इनके पीछे गारंटी जो है संपत्ति के रूप में कंपनी की रखी होती है। तो भविष्य में यदि कंपनी ऋण पत्रों की राशि नहीं चुका पाती है तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रधारी जो है संपत्ति को बेचकर अपने ऋण पत्र की राशि को वसूल कर सकते हैं।
असुरक्षित ऋण पत्र ये जस्ट सुरक्षित ऋण पत्र के क्या है, विपरीत है, अर्थात इनके पीछे किसी भी प्रकार की कोई गारंटी या जमानत या कि संपत्ति जो है गिरवी के रूप में नहीं रखी जाती। तो ये वो ऋण पत्र हैं जिन पर कंपनी मूलधन व ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति या प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखती। अतः ये प्रमाण पत्र केवल इस बात के प्रमाण हैं कि कंपनी इन पर अंकित धन के लिए देनदार है। भुगतान होने की यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, अर्थात उनकी पूंजी वापसी जो है ऋण पत्र की और साथ ही ब्याज देने की कोई गारंटी नहीं होती। अब समापन पर ये जो है साधारण लेनदार के समान माने जाते, जैसे सामान्य जो लेनदार हैं कंपनी के उनको असुरक्षित ऋण पत्रधारियों को उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाता है। तो असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनकी ऋण पत्र की राशि को वापसी का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पर उनके पीछे संपत्ति या प्रतिभूति किसी भी प्रकार की गिरवी नहीं रखी जाती और किसी भी प्रकार की कोई भुगतान की गारंटी नहीं होती, ये असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। फिर दूसरा प्रकार जो है परिवर्तनशीलता के आधार पर, अर्थात ऋण पत्रों को परिवर्तित करने के आधार पर। तो पहला जो है पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, अर्थात ऐसे ऋण पत्र जो कि निश्चित अवधि के पश्चात एक समय के पश्चात इन्हें हम सामान्य अंश या पूर्वाधिकारी अंश के रूप में बदल सकते हैं। तो ये ऋण पत्र जो है पूर्णतः साधारण अंशों में प्रीमियम सहित या प्रीमियम रहित परिवर्तनशील होते हैं। एक निश्चित समय के पश्चात इन्हें हम अंशों में बदल सकते हैं, यहाँ समता या पूर्वाधिकारी अंश में बदल सकते हैं, अंशों में बदला जा सकता, तो वो कहलाते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र। फिर दूसरा जो है आंशिक रूप से परिवर्तनीय, अर्थात जिनको हम बदल सकते हैं। तो ये ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक परिवर्तनीय ऋण पत्र, जो अभी हमने देखा कि ये वो ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात समता अंशों में बदला जा सकता है। आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र में दो प्रकार हैं, एक परिवर्तनीय और एक अपरिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय जो है वो इन्हें भी हम पूर्णतः परिवर्तनीय के समान जो एक निश्चित अवधि के पश्चात समता अंशों में बदल सकते हैं। दूसरा जो अपरिवर्तनीय है इनको हम नहीं बदल सकते, अर्थात ये वो ऋण पत्र होते हैं जिन्हें अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक निश्चित समय पश्चात जो है इनका शोधन और या भुगतान जो है भुगतान कर दिया जाता है, इनका शोधन एक निश्चित समय के पश्चात कर दिया जाता है। तो ये जो है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार हमने देखे। अब तीसरा जो है अभिलेख के आधार पर, कंपनी जो है अपने रिकॉर्ड जो रखती है अभिलेख बनाकर तैयार रखती है, तो यहाँ रिकॉर्ड के आधार पर दो प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। नंबर एक वाहक ऋण पत्र, वाहक से तात्पर्य यहां पर कि जिस व्यक्ति ने वो ऋण पत्र खरीदे हुए हैं उसका भुगतान जो है उसी व्यक्ति को किया जाता है। तो यहां पर इसमें मूलधन व ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास यह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्र धारी के नाम कंपनी के ऋण पत्र धारी रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है, इनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। तो वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं कि जिस व्यक्ति के पास वो ऋण पत्र हैं वही उसके भुगतान लेने का अधिकारी है, पूंजी वापसी का और ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी वही है, तो ये कहलाते हैं वाहक ऋण पत्र। दूसरा जो है रजिस्टर्ड से मतलब हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने ऋण पत्र खरीदा है उसका नाम रजिस्टर में कंपनी के अंकित हो जाता है। तो ये वो ऋण पत्र हैं जिनके धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। इन ऋण पत्रों के धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं व इनका हस्तांतरण जो है कंपनी के रजिस्टर में दर्ज करने पर होता है। तो रजिस्टर्ड पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्रधारी हैं जिनके नाम कंपनी तो काट
और यहाँ जो है भुगतान जो है कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होने पर ही होता है। अब यहाँ यदि किसी ऋण पत्रधारी ने किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया ऋण पत्र, तो उसका नाम कट के उसकी जगह दूसरे का नाम कंपनी के रजिस्टर पर लिखा जाएगा और इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान जो है रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को ही किया जाता है। अर्थात पहले जिस व्यक्ति ने रजिस्टर्ड ऋण पत्र खरीदा था तो उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज था, अब यदि वो पहला व्यक्ति किसी दूसरे को ऋण पत्र भेज देता है तो यहाँ पर कंपनी जो है उस व्यक्ति का नाम काटकर जिसने उसको दोबारा खरीदा उसका नाम अपने रजिस्टर में दर्ज करती है और फिर मूलधन और ब्याज का जो भुगतान है रजिस्टर के आधार पर उसी व्यक्ति को किया जाता है, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र। तो रिकॉर्ड के आधार पर जो है वाहक ऋण पत्र और दूसरा रजिस्टर्ड ऋण पत्र है। स्थायित्व के आधार पर यह है नंबर एक शोध ऋण पत्र, ये वे ऋण पत्र हैं जिनके मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित तिथि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कभी भी कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है, ये अस्थायी ऋण पत्र भी कहलाते हैं। अर्थात वे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित तिथि पूर्ण होने के पश्चात या कंपनी की इच्छा अनुसार कभी भी कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान किया जा सकता है वो शोधनीय या अस्थायी ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो है अशोध ऋण पत्र, जिनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता, अर्थात सिर्फ समापन पर होता है, जब तक कंपनी व्यवसाय करती रहेगी उत्पादन करती रहेगी तब तक इन ऋण पत्रों का भुगतान जो है वो नहीं किया जाएगा, केवल समापन के अवसर पर ही इनका भुगतान किया जाता है, ये स्थायी ऋण पत्र भी कहलाते हैं। अर्थात यहाँ हमने देखा कि स्थायित्व के आधार पर दो प्रकार है, एक अस्थायी ऋण पत्र और दूसरा स्थायी, जिनको हम शोधनीय और अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। तो शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिनका भुगतान एक समय के पश्चात या कभी भी कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है, और अशोधनीय जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता, केवल समापन पर ही इनका भुगतान किया जाता है। अंतिम प्रकार जो है कूपन दर के आधार पर, इसमें जो है कंपनी जो है कूपन दर के आधार पर ऋण पत्र जारी करती है जिसमें एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, और दूसरा जो है शून्य कूपन दर, इसमें कोई भी ब्याज की दर नहीं होती, अर्थात ये ऐसे ऋण पत्र हैं जिनमें किसी भी प्रकार की ब्याज दर नहीं होती, ये एक विशेष छूट पर निर्गमित किए जाते हैं, जब कंपनी द्वारा कोई विशेष छूट दी जाती तब ये जारी किए जाते हैं। यहाँ जो प्राप्ति के रूप में है सममूल्य और निर्गमन मूल्य, जो का सममूल्य है अंकित मूल्य जो उसका है और जिस मूल्य पर वो जारी किए जा रहे हैं उन दोनों के बीच का जो अंतर है उस अवधि का क्या माना जाता है ब्याज, जो कि प्राप्ति के रूप में शून्य कूपन ऋण पत्र धारी को ये प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने जो है विभिन्न ऋण पत्रों के प्रकारों को देखा, इससे जुड़े हुए प्रश्न नंबर एक ऋण पत्र की परिभाषा दीजिए, नंबर दो ऋण पत्रों की विशेषताओं कौन कौन सी उनको समझाइए, तीसरा एक कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, अर्थात कंपनी के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किस लिए आवश्यक है या उसका महत्व क्या है उसको बताइए, फिर ऋण पत्रों के जो विभिन्न प्रकार अभी हमने बताए उसमें सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण पत्र क्या है, फिर परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या है इसको बताना है, फिर वाहक ऋण पत्र क्या है, फिर रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या कहलाते हैं, और अंतिम जो है शोध्य व अशोध्य ऋण पत्र क्या है, इनके बारे में आपको